बहुत हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार में नए एनडीए सरकार के गठन के बाद एक बड़ा सवाल समय समय पर खड़ा हो रहा है, और ये है सवाल, क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलग अलग तरीके के बयान को देते रहते हैं, और आप देखिए उन्होंने कह दिया है कि जदयू को देख कर उन्हें हंसी आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये कोई बताने की बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुनिए पहले आप। आज जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है, और हम तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग, 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी, अगर वह 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है, उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है, और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी अग्निवीर के नाते। मतलब वो आज के जमाने में लड़ाई आमने सामने नहीं होती है, वो कंप्यूटर पर सीखेगा, वो ड्रोन चलाना सीखेगा, वह नेवी में जाएगा तो पानी का जहाज चलाना सीखेगा, हवाई जहाज में रहेगा तो एयरमैन का काम सीखेगा, हवाई जहाज की लैंडिंग कैसे होती है, उड़ती कैसे है, हवाई जहाज का मैकेनिक कैसे, उसका सामान कैसे मेंटेन करना, यह सब सीखेगा। और 22 साल में इतना सब कुछ सीख करके जो 25% सबसे अच्छे लोग होंगे वह सेना में परमानेंट जाएंगे, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको 10% सेंट्रल आर्म फोर्सेज में रिजर्वेशन है। इसके अलावा हर सरकार जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने का काम करी, और बिहार सरकार तो देखा किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बेतिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि जदयू की स्थिति देखकर उन्हें हंसी आती है, और अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके से जदयू के द्वारा विरोध जताया गया उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए। साथ में ये भी कहा कि जो भी उपद्रव देखने को मिले राज्य में, कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है वो सही तरीके से काम नहीं करी थी, जिसके बाद एनडीए के तमाम जो नेता हैं आपस में बयानबाजी को करते दिखे। इस बीच जिस तरीके से संजय जायसवाल ने बयान दिया है, शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल या निशान खड़े किए हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? यदि सब कुछ ठीक है तो इस तरह का जो बयान है वो समय समय पर दिए जा रहे हैं, क्या बिहार में भी जो महाराष्ट्र जैसे हालात हैं वो बन सकते हैं? क्योंकि आरसीपी सिंह नाराज चल रहे हैं और उनकी बीजेपी से नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ती दिख रही है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।